राजधानी लखनऊ में कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ाई जा रही है। आगरा और उन्नाव में 2 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं, जहां विदेश से लौटे 2 युवकों में कोरोना की पुष्टि हुई है। राज्य के सभी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल भी की जाएगी, जिसको लेकर लगातार जो स्वास्थ्य अमला है वो तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कोविड प्रबंधन का परीक्षण करने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी, ताकि अगर कल को कोविड की जो स्थिति है वो अनुकूल ना रहे, विपरीत परिस्थितियों से गुजरे, तो किस तरह से तमाम तरह के जो एहतियात कदम है वो यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। मॉक ड्रिल के जरिए उसे जानने की कोशिश स्वास्थ्य अमला आज करता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता रामानुज का। रामानुज, राजधानी लखनऊ में कोविड को लेकर पूरी तरह से अब एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आगरा और उन्नाव में अब 2 संक्रमित मिल चुके हैं। किस तरह की तैयारी स्वास्थ्य अमले की भी देखने को मिल रही है? देखिए, अगर बात की जाए कि सबसे पहले आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में सिविल हॉस्पिटल का जो है मॉक ड्रिल किया गया है, और ऐसे में अगर बात की जाए कि राजधानी के तमाम हॉस्पिटल हैं उनका मॉक ड्रिल किया जाएगा, और प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों का मॉक ड्रिल आज किया जाएगा। वहां पर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, वहां पर देखा जाएगा किस तरीके से व्यवस्था रखी गई है, किस तरीके का अगर कोविड की स्थिति बढ़ती है तो उसके लिए क्या इंतजाम आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज इस मॉक ड्रिल का यही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी हॉस्पिटलों की तमाम जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके और उन कमियों को भी जाना जा सके जो अभी हॉस्पिटल के अंदर वर्तमान में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मॉक ड्रिल का एक ही लक्ष्य है कि पिछली बार की तरह कहीं भी कोई भी समस्या ना हो, और पिछली बार की तरह जिस तरीके से पहली लहर और दूसरी लहर आई, लोग पैनिक हो गए और पैनिक होने के बाद सीधा अस्पताल का रुख करने लगे, तो ऐसे में अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं और अस्पतालों के अंदर जो जगह है उस पर जो है ये मॉक ड्रिल है, और ऐसे में सारी व्यवस्थाओं को जो है जांचा परखा जाएगा, और उसमें कितने मरीज की संख्या उसमें आ सकती है, या मरीज अगर बढ़ने पर तो उसके लिए क्या दूसरा विकल्प रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आज इस मॉक ड्रिल के अंदर जो है की जाएगी, और ऐसे में इन सभी बिंदुओं पर जब जांच होगी तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोविड का संकट आता है तो कहीं ना कहीं उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी तैयार रहे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और इस पर खासा ध्यान रखा जाए, उसी के चलते प्रदेश में आज मॉक ड्रिल है। और पूरे प्रदेश ही नहीं, क्योंकि इससे पहले जो मनसुख मंडाविया है जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने पूरे देश के अंदर जो है मॉक ड्रिल करने की बात कही थी। सभी राज्य जो है इस पर आज जो है सभी राज्य जो है इस पर मॉक ड्रिल करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए, एक बड़ा संख्या वाला उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ी संख्या वाला प्रदेश है जनसंख्या वाला, और ऐसे में इस जनसंख्या के आधार पर किस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए उस पर जो है आज पूरे प्रदेश भर के अंदर मॉक ड्रिल है, और डिप्टी सीएम जो है बृजेश पाठक वो भी इस मॉक ड्रिल का जो बिल्कुल रामानुज मॉक ड्रिल आगे की किस तरह से तैयारी स्वास्थ्य अमले की यहाँ पर हो रखी है, ताकि कोविड की जो भी स्थिति परिस्थिति रहेगी, जो भी चुनौती रहेगी, उससे निपटा जा सके। लेकिन इस बीच विदेश से जो 2 युवक लौटे हैं उनमें कोरोना की पुष्टि हुई, इनको लेकर किस तरह की जानकारी मिल रही है, किस तरह की जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसके साथ ही जो उन लोगों के कॉन्टेक्ट में आए हैं क्या उसको लेकर भी किसी तरह की फेहरिस्त यहाँ पर बनाई जा रही है प्रशासनिक अमले की तरफ से? देखिए, जाहिर सी बात है इससे पहले भी आपने देखा था कि एक पेशेंट जो है वो कोविड का जो है शिकार हुआ था, और गोरखपुर के अंदर ये जो है पूरा मामला निकला था, और उसके साथ साथ जो उसके आसपास के जो जद में लोग थे या उनके जो जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ था, जो उसके साथ में लोग घूम रहे थे उनको भी जो है क्वारंटाइन किया गया, यानी कि 20 लोगों को चिन्हित किया गया था। और इस केस में भी ठीक उसी तरीके से जो लोग इसके जो इन 2 व्यक्तियों के साथ आए थे उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, और उनसे भी जो है ट्रेस किया जा रहा है, उनको ट्रेस करने के बाद जो है पूरी तरीके से उनको क्वारंटाइन रहने की जो है निर्देश दिए गए हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए रैंडम चेकिंग जो है वो एयरपोर्ट पर रखी गई है, और इसमें रैंडम चेकिंग के अंदर ही जो है इस दोनों पेशेंट का पता चला है, और ऐसे में उनके साथ जो बैठे हुए थे पेशेंट उनको भी कहीं ना कहीं अब जो है क्वारंटाइन यानी कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल। देखिए रामानुज, चीन में जो हाहाकार की स्थिति मची हुई है वो यहाँ भारत पे ना पनपे, उसको लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी तमाम तरह की जो गाइडलाइन है उसका पालन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना अगर धरातल की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिले तो लोग अभी भी गंभीर नहीं है लोगों की नजर में, और लोगों की नजर में जिस भी तरह के कोविड
को लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जानने की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य अमला किस तरह से लोगों को ये बता पा रहा है कि आखिर जो कोविड की ये नई वेरियंट आया है चीन से BF7, इसको लेकर क्या कुछ सिम्टम्स है, किस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है समाज में। देखिए, इसके जो सिम्टम्स हैं वो पहले कोविड की तरह नहीं है, उसमें बुखार और जुखाम होना इस तरीके के कहीं भी कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं।